बादल बरस रहे हैं, वहीं नक्सलियों के खिलाफ हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी कार्रवाई जारी है। यहां पर लोन बराटू अभियान से प्रभावित होकर 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में 1,06,000 नक्सली हैं और सभी नक्सली भैरमगढ़ इंद्रावती कटे कल्याण आमदाई एरिया कमेटी के सदस्य थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोन बराटू अभियान का जो असर है वो यहां पर देखने को मिला है। 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें मुख्य तौर पर सीआरपीएफ की ट्रिप 111, 195, 230 वाहनी का मेन रोल रहा। टोटल 17 माओवादियों में से 5 इनामी माओवादी हैं, जिन पर पहले से शासन द्वारा इनाम घोषित है, वो भी उनको राशि मुहैया कराई जाएगी। आत्मसमर्पण करने के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको 25,000 सभी को उनके खातों में अमाउंट दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के तहत। और जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे कि आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड या बस पास और जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं जो शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं वो भी उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। जोगेश्वर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जोगेश्वर, एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है और ये जो नक्सली थे इनका किस तरह का इतिहास रहा था और अब आगे किस तरीके से इनकी मदद ली जा सकती है? जी, कहीं ना कहीं जो है आत्मसमर्पण के जो है शासन के साथ अभी जुड़े हुए हैं विकास की नीति पे, और इससे पहले जो है माओवादियों के साथ रहे हैं। और अबुझमाड़ जो आमदाई एरिया है वो सबसे गौर नक्सल प्रभावित इलाका है और आज वहाँ के माओवादी जो है आत्मसमर्पण करके जो है शासन की कुल विकास में जो है वो जुड़ चुके हैं, या कहे फिर मुख्य धारा पे जो सामाजिक के तौर पर देखा जाए तो वो जुड़ चुके हैं। अब वो जो है सरकारी सुविधा या फिर अन्य कई जो है शासन की सुविधा है उससे लाभान्वित होंगे और इसमें जो है दंतेवाड़ा पुलिस की बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जोगेश्वर और जानकारी देने के लिए। लोन बराटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया यहां पर और सरेंडर करने वालों में 3 महिला नक्सली भी शामिल है।